आज हम बना रहे हैं छोले। जैसे हलवाई बनाते हैं ना छोले भटूरे वाले, तो हम छोले भटूरे बना रहे हैं। तो इसे उबालने जब इसे उबालूंगी ना, मैंने इसे 8 घंटे भिगो के कुकर में डाल लिया और इसमें पानी डाल लिया। छोलों से मतलब ऊपर है पानी, तो आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, तेज पत्ता और एक चाय पत्ती की पोटली बना के डालूंगी। चाय पत्ती की पोटली बनाने के लिए मैंने बिल्कुल पतले वाला कपड़ा ले लिया है। इसमें मैंने ये 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। अब इसे मैं टाइट कस के बांध दूंगी ताकि ये छोलों में खुले ना। आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी पोटली मैंने बनाई है, छोटी सी। अब ये इस छोलों के अंदर डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये नमक डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये 2 तेज पत्ते डाल दूंगी। अब इसे हम कुकर पे चढ़ाएंगे और इसमें 5 सीटी लगाएंगे। गैस जला दिया। अब 5 सीटी लगाने के बाद इसे खोल के देखेंगे, ठीक है। छोले मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। अब छोलों में डालने के लिए मसाला बनाएंगे। ये मैंने साबुत धनिया ले लिया, लाल मिर्च ले ली, जीरा ले लिया, छोटी वाली हरी इलायची, काली मिर्च, सौंफ और ये बड़ी इलायची। अब इनको हम रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी में या फिर मांगदस्ते में कूट लेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें कढ़ाई में डाल ली है। अब इसे मैं भून रही हूँ लो फ्लेम पे। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आती है। और इस कढ़ाई में मैं इसलिए भून रही हूँ इसे बिकॉज़ छोलों का मसाला भी मैं इसी में ही बनाऊँगी। ये मसाला भुन गया है। अब इसे मतलब मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मांगदस्ते में कूटूंगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर रही हूँ। सरसों का ऑयल लिया है मैंने, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल गरम हो गया। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। अब लहसुन को भूनेंगे हम थोड़ा सा। अब इसमें प्याज में हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून देंगे। जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करेंगे हल्का हल्का। प्याज लहसुन अच्छे से भुन गया है। उसमें अब हम ये डालेंगे बेसिक मसाला, थोड़ी सी हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक हमने छोले उबालते टाइम भी डाल दिया और ये अमचूर। इसे हल्का सा भूनेंगे। मसाले सूखे मसाले हमने भूने थे उसे मैंने कूट लिया है। अब इसमें ये मसाला भी डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाले जले ना और अच्छे से भून जाए। अब इसमें हम ये डाल देंगे टमाटर। अब इसे भी अच्छे से भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, तेल अलग से सेपरेट ना हो जाए जब तक मसाला भूनना है। मसाला भून रहा है। अब देख सकते हैं रंग भी कितना अच्छा आया मसाले में, क्योंकि हमने घर पे ही मसाला बनाया है। ये छोले भी उबल चुके हैं, अच्छे से पक गए हैं छोले भी। तो मैं थोड़े से छोले साइड में रखूँगी और ये छोले अब हम मिलाएंगे मसाले में। मसाला हमारा भुन गया है। अब ये छोले मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये छोलों को मैंने मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया छोलों में। और वो चाय पत्ते की पोटली भी अभी इसी में है, इसे अभी हम बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी अभी अपना कलर और छोड़ेगी। ये थोड़े से छोले मैंने अलग से निकाल लिए थे, उन्हें मैश कर लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब इसे एक उबाल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे और काफ़ी टेस्टी छोले बनते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे शॉप से हम छोले भटूरे लाते हैं वैसे ही ये छोले बनते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं अलग से तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हमारे डन हैं छोले।
हम भटूरों का डो लगाएंगे, मतलब आटा गूंदना सीखेंगे भटूरों के लिए। तो ये मैंने मैदा ले लिया है, ये 2 कटोरी मैदा है, और उसी कटोरी में मैंने ये सूजी ले ली है, मतलब आधी कटोरी सूजी है। अब इसमें मिक्स कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा मैदा ले सकते हैं, आधी सूजी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं आधा मैदा आधी सूजी और उसी हिसाब से आटा, तीनों क्वांटिटी बराबर ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैदा और सूजी ली है। अब अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और ये कुछ दाने चीनी के डालेंगे। ये मतलब छोटी वाली चम्मच जो होती है उसमें भी आधी चम्मच है, आधी से भी कम। मतलब मिठास नहीं लानी, भटूरों को अच्छा कलर देने के लिए हम चीनी डालते हैं। अब हम इसमें एक ये इनो का पैकेट डालेंगे। अगर आप चाहें तो सोडा, खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, बट मैंने इनो का यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे को एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है और एक हाथ से फिर मैं ये सारा काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा कैमरा भी हिलता है, तो आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे दही। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। आप इसमें रिफाइंड घी या फिर ऑलिव ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है पानी, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। अब हमने इसे एक स्पून की हेल्प से मिक्स किया है। अब इसे हम ना हाथ से गूंथेंगे जैसे हम अपना आटा गूंथते हैं, और इसमें ना ना इसको टाइट रखना है ना ही इसको ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जो बाहर शॉप पर बनते हैं उनका आटा बहुत लूज़ होता है, बट हम वैसे नहीं बना पाएंगे, तो हम इसे ना टाइट रखना है ना लूज़ रखना है, इसे हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। मैं इसे हाथ से ही गूंथी लगा रही हूँ, तो अब इसे मतलब मैंने 1 मिनट ही अच्छे से हाथ से गूथा होगा, तो ये ऐसा हो गया है। अब इसको और अच्छे से गूथूंगी और फिर इस पे ऑयल लगाऊंगी। तो आटा मैंने गूथ लिया है, उस पे ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल को मैं पूरे आटे पे इस पे फैला दूंगी, और आप इसे 10 मिनट रखने के बाद भी आप इसे अपने भटूरे बना सकते हैं, या आपके पास टाइम है तो आप इसे 5 से 6 घंटे रख सकते हैं, और ठंड के टाइम में तो आप इसे 8 से 9 घंटे भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गर्मियों में आप इसे 6 घंटे रख सकते हैं, और चाहे तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑयल अब पूरे आटे पे लग गया है। अब इसे मैं ढक कर पहले एक कपड़ा रखूँगी, उसके ऊपर इसके एक ढक्कन लगा के इसको आटे के ड्राम में रख दूँगी। अब हम बनाएंगे भटूरे। ये वही आटा है जो हमने गूंथा था। अब इसमें से एक पेड़ा लेंगे और फिर हम भटूरा बेलेंगे, चकले पे ही बेलेंगे, ठीक है। और ये ऑयल गरम हो रहा है, और ऑयल को हमें बहुत अच्छी मतलब अच्छे से गरम करना है ताकि धुआं निकल रहा हो। ये पेड़ा ले लिया हमने मैदे का। अब इसे मैदे में ही डस्ट करूँगी थोड़ा सा। अब इसे हम बेलेंगे। भटूरा हमने बेल लिया है, और किनारों से इसे मोटा नहीं रख रहा, पूरा इक्वली इसे बेलना है। आप इसे लंबाई में गोलाई में जैसे आपका मन चाहे आप वैसे बेल सकते हैं। भटूरों को तलने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसमें सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें अब मैं भटूरा डालूंगी। आप देख सकते हैं कि भटूरा कितने अच्छे से फूला और कितना अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो फर्स्ट पहला भटूरा था तो वो कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया था। आप ये वाला देख सकते हैं कि कितना अच्छे से फूला और कितना अच्छा कलर आया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स छोलों में कितनी अच्छी रंगत आई है, जैसे बाहर से हम छोले भटूरे खरीदते हैं। और ये आप भटूरे भी देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले हैं। तो ये हमारी प्लेट छोले भटूरों की, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। थैंक यू।